हम आगरा फोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पहली सवारी करवाई जाके जल्दी। अच्छा भैया, भाई साहब को आराम दे। अरे ये चचा है हमारे आगरा के। क्या नाम है आपका? सैयाज। हाँ सैयाज भाई हैं, ठीक है ना? अच्छा घुमाना भाई, अच्छा हाँ अच्छे से घुमा देना है। ठीक चलिए, थैंक यू। और फाइनली जो है ऑटो के अंदर से हम अब निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से गालिबा 4 किलोमीटर का सफ़र है। तो चलिए अभी रेड फोर्ट पहुँच के मिलते हैं। एक्चुअली रेड फोर्ट नहीं है, वो आगरा फोर्ट है, लेकिन सब ने उनका नाम रेड फोर्ट रख दिया। फाइनली जो हम लोग अभी आगरा फोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो है हमको सबसे पहले जो है टिकट काउंटर पर टिकट दिखाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जो है हमारी एंट्री होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के फिर आपसे मिलते हैं। और ये है हमारा कुछ आगरा फोर्ट, वेरी ब्यूटीफुल पैलेस। अभी अंदर जाके इसका पूरा डिटेल वीडियो बताता हूँ। और ये है हमारा एंट्री गेट। कुछ ये किला को जो है बनने में गालिबा 95 ईयर्स लगा था, तो ये है उसका गेट के दीवार। यहाँ से वो वहाँ से एंट्री है उसका, और इस तरफ से जो है चलते हुए आपको अंदर जाना है। तो ये जहांगीरी महल, मुग़ल की आर्मी यहाँ रहती थी, और फिर ब्रिटिश टाइम में जो है ब्रिटिश की आर्मी रही है। और ये जो है जहांगीर के नाने का, यहाँ पे जहान कुंड, मान सिंह ने इसको जन्मदिन पर दिया था। इसके अंदर कुछ लिखा भी है जिसका वो, तीन सीढ़ी अंदर है, तीन सीढ़ी बाहर है, पहले जमीन से। ये जो है कुछ देखने के लिए बाहर ऐसा है, पूरा गोल्ड कवर करता है जो ब्रिटिश टाइम में। इसके अंदर गोल्ड था क्या? हाँ गोल्ड कवर था पूरा। और ये जो है कुछ ऐसा है बात कर। और ये है हमारा जो एंट्री गेट है जहांगीर महल का, तो यहाँ चलते हैं फिर। ये यहाँ से ये कुछ इस तरीके का यहाँ का आर्किटेक्ट डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये सारा पत्थर का बना हुआ है ना? हाँ लाल पत्थर का, लाल पत्थर का। और इसका जो है गेट चेक कीजिए। और यहाँ से जो है शहनाई बजता था, और वो जो ऊपर में जो होल है वहाँ से जो है इसके अंदर जो है फ्लावर्स डाला जाता था, जिसमें एंट्री के वक्त जो ऐलान किया जाता था बादशाह जो है आ रहे हैं, तो यही होता था। ये है ये जो है अभी जो बंद है, ये मदरसा था, अभी ये फ़िलहाल बंद है। ये उस टाइम का मदरसा था, जहांगीर का मदरसा, और इसमें जो है पढ़ाई होती थी मदरसे की। क्या प्यारा यहाँ खूबसूरत सा जो है, कुछ अल्फाज नहीं है यहाँ पे, आर्किटेक्ट जो देख सकते हैं आप। इसको बनने में 95 ईयर्स लगा था। और ये जो है कुछ इस तरीके का एक रूम है, और यहाँ पे आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बहुत ही प्यार। इधर से गैलरी, ये एक रास्ता बना हुआ है जो आप बाहर की तरफ से निकल सकते हो। और ये देखिए, और इस साइड से जो है आप वहाँ पे ताजमहल देख सकते हैं, और वो रहा जमुना और ताजमहल। और अकॉर्डिंग टू गाइडेंस कि यहाँ पे जो है गर्मी के दिन में जो है रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है नेचुरल ठंडा जो होता है ना, नेचुरल कोल्डनेस रहता था, तो उसकी वजह से जो है गर्मी में यहाँ पे रहते थे इस वाले बेडरूम के अंदर। और ये कुछ ऐसा है, इसके इस साइड से भी खुला हुआ है, और आप जो है चेक करें, ये इधर से भी फिर एक गली है, एक रूम फिर यहाँ पे है। यहाँ से आप कुछ भी आवाज़ करते हैं आपको जो है लगा उस साइड जो है आवाज़ आएगा। ये जो अंदर में दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा जो है गजनी का दरवाज़ा है, और ये आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर रख देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं।
और ये है रोशन आरा, और ये इस साइड से जो है इसको रोशन आरा कहते हैं। और ये जो है कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी वॉल है जिसको कुछ इस तरीके से बनाया गया कि एक तरफ तो ये जो है ये वाला वॉल ये अंदर की सिक्योरिटी के लिए, फिर उसके बाद गड्ढा किया हुआ है, फिर एक वॉल है जो बाहर के सिक्योरिटी के लिए, तो कुछ इस तरीके से इसको सिक्योर किया गया। और ये बेडरूम जो है शाहजहां एंड मुमताज का है, और इसका जो सबसे वंडरफुल चीज़ है ये देखिए आप यहाँ गैलरी से जो है देखिए, बस ये हमारे सामने ताजमहल, मतलब क्या ही दिमाग लगा कि उन्होंने ताजमहल तो बनाया कि यहाँ से जो है बैठे बैठे ताजमहल भी दिख जाए। और ये जो है उनका बेडरूम था, ये कुछ इस तरीके का बालकोनी, ये शाहजहां का जो है महल था, ये महल शाहजहां का है। और इस तरफ से जो है फिर एक एंट्री, और यहाँ से आप जब आगे की तरफ बढ़िएगा तो फिर से आपको जो है कमरा मिलेगा, और इस कमरे से ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो है चैन जस्टिस जहांगीर के न्याय की जंजीर। और ये जो है मुसम्मन बुर्ज है, ये देखिए आप क्या ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे, ये देखिए इतना प्यारा सा इसको आर्किटेक्ट किया गया है, यानी वर्क है। और ये है हमारा मुसम्मन बुर्ज, और ये जो है यहाँ से जो है ओवरफ्लो होके पानी आता था, और ये यहाँ से ऐसे होते हुए वो वहाँ पे जो आपने देखा वहाँ पे एक फुव्वारा लगा हुआ था उसके अंदर से जो है पानी निकलता था। और जहांगीर के टाइम में इसको जो है एज अ घंटा घर यूज़ किया जाता था कि अगर किसी को भी जो है कोई भी प्रॉब्लम होता था तो यहाँ पे एक घंटा लगा हुआ था उसको जो है दबा, उसको जब बजाते थे तो जो है यहाँ से एंट्री करके उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता था। और ये कुछ इस तरीके का जो है जेल भी होता था, यहाँ नज़र बंद किया जाता था, और इधर से फिर एक सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाती है। और ये है मीना मस्जिद, ये है मीना मस्जिद, और इधर से जो है फिर आपको एक किला मिलेगा, ये बरांडा है, और ये है दीवानी खास। ये है तख्ते जहांगीर, जहांगीर का सिंहासन, दीवाने खास से जो है ये है मीना बाजार, यहाँ जो है मीना बाजार लगता था, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो है मीना बाजार लगता था जहाँ से जो है शॉपिंग्स वगैरह करती थी रानियाँ। और ये है नगीना मस्जिद, तो फिलहाल जो है ये देखिए बड़ा ब्यूटीफुल, ये है नगीना मस्जिद, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है दीवाने खास था, और ये है दीवाने आम। ये है ब्रिटिश तोप, ये जो है कुआं है, ये देखिए कितना बड़ा सा कुआं, और ये अभी बंद कर दिया गया। ये है दीवाने आम, और उस साइड जो है दीवाने खास था। और फाइनली जो है इसी के साथ जो है हमारा सफ़र यहाँ का ख़त्म, और चलते हैं अब बाहर। आई होप कि आपको आज का ये आगरा फोर्ट का जो है ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।